गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। तो ये देखिए, मैंने बेसन का घोल कर लिया तैयार, और आज बनाएंगे कढ़ी। पहले बनाएंगे पकौड़ी। ये देखिए, एक एक करके इस तरह से मैं सारी पकौड़ियां इसमें डाल दूंगी। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे ताकि ये धीरे धीरे अंदर तक अच्छे से सिके। ये देखिए, एक बार मैंने डाल दिए, एक बार का घोल बच गया है। उसके बाद हम कढ़ी छोकेंगे इसी कढ़ाई में। और टाइम देख लीजिए, 12:30 बज गए हैं। हेमू लग रहा है अपने स्कूल के होमवर्क में, और धूप अच्छी खासी है। ये देखिए, आज अभी तक मौसम ठीक है, बूंदाबांदी नहीं आई है, और मौसम का कुछ पता नहीं। तो इधर हमारी पकौड़ी बन रही है, ये देखिए। तो सिमास पे कई देर लग जाती है इनमें ताकि अंदर तक सिके। ये देखिए, इस जग में मैंने 4 चम्मच बेसन लिए हैं, और अब इसमें डाल देते हैं मसाले, नमक। नमक चाहे तो आप लास्ट में भी डाल सकते हैं, हल्दी, मिर्च, और अभी इनको छाल डालते हैं इसमें। तो देखिए, ठीक है। और अब इसका बनाते हैं घोल। इस बड़े चमचे की मदद से अच्छे से मिलाएंगे सभी को। और आप इसमें मेथी डाल सकते हैं, लेकिन हेमू योगी कोई से भी मेथी नहीं खाते हैं दोनों में से, इसलिए मैं मेथी ऐड नहीं करूंगी। और अभी इसमें डाल देते हैं थोड़ी अजवाइन। ये देखिए, हींग के बाद जीरा, राई, इन सब के चटक जाने के बाद हम डालेंगे ये खड़े मसाले इसमें। अब इसमें डाल देते हैं 2 साबुत लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, छोटी सी दालचीनी, और 5 से 6 लौंग। और अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज होने पर ये लहसुन मैंने कूट लिया है, इसको डाल देंगे। और अभी मैं इसमें डाल दूंगी ये लहसुन। अदरक मेरे पास नहीं है, आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं। और इस तरह कूट के डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, काट के डालने से उतना अच्छा नहीं आता। अच्छे से भून लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे जो होल हमने बना रखा है वो। मम्मी, ये टीवी में आंच लाल है। तो इसे लगातार चलाते हुए, इसमें तब तक उबाल ना आए, लगातार चलाते रहे वरना कढ़ी फट जाएगी। और फिर इसको कम से कम 40 मिनट के लिए सेम आंच पर उबलने के लिए छोड़ दें। देखिए टाइम, ये देखिए कढ़ी,
डिनर बन करोगे तैयार। अब बनाऊंगे रोटी, आटा लगा लिया है। तो अभी टाइम है 2:20, ये गए हैं योगी को लेने के लिए और हेमू देख रहा है टीवी, क्योंकि आज वो घर ही था, उसकी पीटीएम थी। तो खाना पीना सबका हो गया है, योगी की रोटी मैंने बना के रख दी है और मौसम ऐसा ही हो गया, अचानक से बादल हो गए हैं, तो देखो बारिश आएगी या नहीं। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, टाइम 2:20 आपको बता दिया है। तो सुबह से ये टाइम हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। जो लोग गांव से हैं वो ज़रूर समझेंगे कि एक आदमी खेत का, घर का सारा काम करके पशुओं का, तो उसका टाइम कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता। तो अभी ये योगी को लेके आने के बाद बनाएंगे चाय और हम पियेंगे चाय। चाय पी के मैं करूँगी लगभग 1 घंटा आराम, उसके बाद फिर घर का काम होगा। लगभग 4:15 से अभी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि दिन अभी छोटे होने लग गए हैं, तो बाहर जो खुट्टा है भैंस का वहाँ छाया आ जाती है, तो 4 इसको निकाल देते हैं बाहर। तो 4 से ही हमारा रूटीन अब शुरू हो गया है। गर्मियों में तो लगभग 4:30, 5 भी बज जाते थे, और अभी काम हो गया जल्दी शुरू। तो फिर अभी करते हैं थोड़ी देर आराम, आप लोगों से मिलेंगे बाद में। और ये देखिए टाइम 2:27 होने वाले हैं, और ये देखिए मौसम अचानक से। तो 2:30 के बाद सीधा अब मिल रही हूँ, टाइम हो गया 7:15 का, और मैं बैठी हूँ बाहर चौक में। अभी मौसम ठीक है तो पशुओं को बाहर निकाल दिया है। लगभग 2:40 से बारिश शुरू हुई थी, 5:30 तक लगातार हल्की बूंदाबांदी रही है। तो अभी पशुओं को निकाल दिया है, लगभग 1/2 हो गया है बाहर निकाले, और इनके ठाणों में आज फिर रेत गेर दिया क्योंकि तेज बारिश होती है तो सब साफ हो जाता है, लेकिन धीमी रिम झिम बारिश में किचपिच हो जाता है। तो आज फिर से गेर दिया इनके ठाणों में, और पंखा चला रखा था ये, अभी वो अभी बंद किया है क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आती पंखा चलता है तो। और अभी चलते हैं रसोई में, रसोई में ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ रोटी बनानी है। कढ़ी दोपहर की रखी हुई है, और माँ जी ने आज अपनी जाड़ निकलवा दी है एक, तो उन्होंने दलिया खाया है, और बनेगी रोटी। तो अभी बनाऊंगी रोटी, और टाइम ज़्यादा भी नहीं हुआ है, पर गांव में सब काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। शहरों की तरह 10-11 खाना पीना नहीं होता यहाँ, क्योंकि यहाँ एक रूटीन बना हुआ है, सुबह 4:30 हर हाल में बिस्तर छोड़ देने हैं, क्योंकि जो इनका काम है ना वो सुबह से शुरू हो जाता है पशुओं का। तो हाँ भाई के बात है, गिर जावा को। और हेमू छलांग लगा रहा है पंखे की डोरी के ऊपर से, बरामदे में जो लगाते हैं एक्सटेंशन लगा के। तो अभी चलते हैं रसोई में, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेमू योगी खा रहे हैं रोटी, और टीवी इन्होंने चला लिया है, क्यों टीवी के बगैर तो इनके मुंह में एक भी रोटी का टूक जाता नहीं है, ठीक है। और 1 और ये पंखा ऐसे ही चला रखा है, पहले तो इसको बंद कर देते हैं। और टाइम 7:45 का, हेमू के बिस्तर लग चुके हैं, और स्टैंड यहाँ रख लेते हैं रात को क्योंकि ये पंखा चलता है। और ये योगी का बैग, इसको अंदर पहुँचा देते हैं। और इस कमरे में ये तख्त इसलिए खाली किया है उनका आराम से सामान रखा रहे। और आज इन्वर्टर हो गया ख़राब,
लाइट आज खराब, पता नहीं 2-4 बार कट 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 किया तो वो मिस्त्री को दे दिया है। मिस्त्री ने लगभग 8 बजे का नाम लिया था तो ठीक करके देंगे 8 बजे तक। और अभी पशु बैठ चुके हैं खा पी के, गुड़ गिरना बाकी रह गया है। मैं अंदर रोटी बनाने लग गई, इतने में बैठ गई, तो अभी इनको गुड़ और डाल देंगे। गुड़ खाने के बाद वैसे तो हवा भी हल्की हल्की चली है, देखिए तो मौसम ऐसा ही हो रहा है तो पंखा तो हटाना पड़ेगा, बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए। तो अभी मैं इनको गुड़ डाल देती हूँ। और ये भाई साहब हो रहे हैं बीमार, कुछ खाना पीना नहीं करते। एक बोतल में दूध डाल के वो ही पिलाती हूँ मैं इनको, लगभग 1 लीटर दूध पिला रही हूँ फिलहाल। तो पहले इनको गुड़ डाल देते हैं। और ये देखिए इनको भी बच्चों की तरह पालना पड़ता है, टाइम पे खिलाना पिलाना नहलाना चारा डालना, जैसे बच्चे को माँ बाप पालते हैं इसी तरह इनको पाला जाता है। ऐसे ही नहीं है कि एक दिन में इतने बड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी जादू नहीं है। और ये जो बंधी हुई है लाडो हमारी, ये मैंने खुद पाली थी, 1 महीने की लेके आई थी, भैंस लेके आई थी तो उसके साथ आई थी ये, तो ये मैंने पाली है। तो वो दूसरी पाडी है वो 4 महीने की ली थी, और अभी ये है। इनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं रहते। तो पशुओं के साथ तो देसी कहावत है कि पशु बनना पड़ता है तब पशु घर में रहते हैं, तो इस बात में कोई चूक नहीं है। जो ये खुट्टे पे बंधे दूसरे के अच्छे लगते हैं, अपने घर में होते हैं तो बहुत मेहनत का काम होता है, ऐसे ही नहीं होता।